हरियाणा से भाजपा नेता और बिग बॉस फेम सोनाली फोगाट का 42 साल की उम्र में निधन हो गया है। सोनाली का दिल का दौरा पड़ने की वजह से गोवा में निधन हो गया। सोनाली भाजपा नेताओं के साथ पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गोवा पहुंची थी। इसी दौरान उन्हें अचानक सीने में दर्द हुआ, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। सोनाली की अचानक मौत से उनके परिजन और फैंस सदमे में हैं। किसी को यकीन नहीं हो पा रहा है कि सोनाली अब इस दुनिया में नहीं है। छोटे पर्दे के कलाकार और राजनीतिक हस्तियां सोनाली के निधन पर शोक जता रही हैं। मौत से कुछ वक्त पहले सोनाली ने इंस्टाग्राम में अपना आखिरी वीडियो शेयर किया था, जो कि काफी वायरल हो रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि सोनाली ने मरने से पहले अपनी माँ से आखिरी बार फोन पर बात की थी और अपने खाने में कुछ मिला होने की शिकायत की थी। परिजनों ने सोनाली की हत्या की आशंका जताई है और मौत की जांच कराने की मांग की है। सोनाली के निधन से टीवी जगत में भी शोक की लहर है। सोनाली सोशल मीडिया में काफी एक्टिव रहा करती थी। दुनिया के हर कोने में हरियाणा, उनके टिकटॉक वीडियो भी काफी वायरल हुआ करते थे। अपनी लोकप्रियता की बदौलत सोनाली ने राजनीति में एंट्री ली थी। वे हरियाणा से भाजपा नेता थी। सोनाली की एक 16 साल की बेटी है, जिसका नाम यशोधरा फोगाट है। मां के निधन से यशोधरा काफी सदमे में है। पति की मौत के बाद सोनाली अकेले ही बेटी की परवरिश कर रही थी। सोनाली की बेटी मुंबई में रहकर ही पढ़ाई करती हैं।